हम गए वैसे ही, उन्होंने कह दिया कि अपने फोन बंद कर लो, बस एक भी फोटो खिंचाई वीडियो नहीं बनेगी, उन्होंने ऐसा बोला। वहाँ से हमारा फोन मतलब बंद करवा दिया गया, फिर फोटो खींचना तो खींच लो और वहीं पास में बैठ रहे, क्योंकि वही तरीका थोड़ा हुआ है, आप स्टार हो तो अपने लिए स्टार हो, तो ये चीज़ गवर्नमेंट में नहीं सोशल मीडिया में, मतलब जिस जो व्यक्ति इस लाइन में घुस जाता है वो कभी एंकर नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है भाई, ऐसे लोग यहाँ मत जाओ, क्यों जाओ, जहाँ अपनी बेइज्जती करवाओ, ऐसी कसान मारी जा रही। इतना एटीट्यूड दिखा रहा था वो, दो पैसा में कुछ तो जानता नहीं है, अनपढ़। हाय गाइज, कैसे हो आप सब, आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हापुड़ की रहने वाली वंशिका जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, जैसा कि आपने वीडियो में आगे संजना यदुवंशी को देखा जो कि वंशिका जी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं। ये संजना यदुवंशी टावा के रहने वाली हैं जो कि वंशिका की फ़ैन थी, तो वंशिका से मिलने पहुंची, तो वंशिका ने किस तरीके से संजना के साथ बिहेव किया, मैं आपको ये छोटा सा क्लिप दिखाने वाली हूँ। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ में। जैसा कि आप जानते हैं वंशिका जी कितना प्राउड आ गया, तो देखिए गाइस। तुमसे कॉल पे बात की थी, दीदी की गई थी, दीदी आई उनको, तब तुम्हें बुला तो बता दो, दीदी आ चुकी हैं। तो मिलवाने कह रहे था भाई, हम मिलवाने कह रहे हैं, फोटो ले सकते हो और क्या कर सकते हैं, एक वीडियो नहीं बताओ अपना, ये वीडियो नहीं, इस बार मना कर रहे हैं, वो तो नहीं डालो, गूगल पे डाल लो, गूगल पे डाल लो। वैसे आप सब परेशान हो रहे, चाय के ना पानी के सब दूध दे दो, अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो, जैसे वंश का आपूर्ति की शान है, रामपुर में, लेकिन हम फिर भी 150 किलोमीटर दूर चल के आए इसके लिए कि मतलब इनसे मिल रहे वंशिका से, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपने अभी देखे हुआ क्या हुआ था? देखे हुए हम गए वैसे ही, लोगों ने कह दिया कि अपने फोन बंद कर लो, बस एक भी फोटो खिंचाई वीडियो नहीं बनेगी, उन्होंने ऐसा बोला है। तो फिर थोड़ी बहुत बहस है सुन लगी, मतलब कि वीडियो क्यों नहीं बना देते, ऐसी कुछ बात हुई। तो फिर जो मैंने आपको इससे पहले थोड़ा दिखाया है ना, उसमें बहस हो रही थी, वहाँ से हमारा फ़ोन मतलब बंद करवा दिया गया, फिर फोटो खींचना तो खींच लो और वहीं पास में बैठ रहे। वो लड़की मिली भी मुझसे, क्योंकि इतनी तेज मतलब हम गए थे तो वो लड़की काम कर रही थी, और जैसे ही हमारे जाने के बाद उसने कहा मुझसे, बोली कि फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटो खींचना है आपको, तो फ़ोटो खींच लो, मतलब जैसे हम मुझ मेरे ऊपर एहसान कर रही हो भाई, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, नेम की, फेम की। मेरे भाई ने बोला ऐसी बात है जैसे मतलब कि अगर आप अपनी लड़की को अगर समझ रहे हो बहुत बड़ी स्टार है, स्टार ऐसी हमारी बहन किसी से कम नहीं है, आप कहते मिलने आते हमारे सुबह शाम तक लाइन लगी रहती, लेकिन हमारे तुम्हारे आपूर्ति किसान है, हमारी कहते हैं इटावा किसान है, जब तक और फिर मतलब यही होता रहा। लेकिन उनकी मम्मी ने वंशिका से 2-3 बार बोला कि वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, इतनी मतलब कि एक वीडियो बना लो, मैंने बोला था ना एक वीडियो बना लो, तो मतलब वही इसका सॉन्ग जो वायरल हुआ है उसी तक, तो उन्होंने बोला तो उन झूठ के बोल, उन्होंने 2-3 बार बोला, लेकिन उस लड़की ने बनाई नहीं, मैम मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा, उस पर नहीं बनेगी वीडियो, बताओ जो लड़की अभी काम कर रही हो, अब फिर चलो लड़की नाच चुकी, लड़की तैयार है, सूट पहने अच्छे, रुपट्टा डाल के सो रही है इतनी गर्मी में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरी आंखों में नींद, रात में आए, चलो ठीक है मान लिया रात में आए, चलो उसकी बात तो सब एग्री है, सही बात में थक जाती तो शरीर काम नहीं करता है, अभी छोटी उम्र उसकी नहीं हो पाता, लेकिन जो बताओ जो इंसान एक रात चल के आ रहा है तुमसे ये कह रहा है बस 2 मिनट बात कर लो, बस वो ये बोले आपको फोटो खिंचाना है, मैंने तरीके से एहसान करना, क्योंकि वही तरीका थोड़ा हुआ है, आप स्टार हो तो अपने लिए स्टार हो, तो ये चीज़ गवर्नमेंट में नहीं सोशल मीडिया में, मतलब जिस जो व्यक्ति इस लाइन में घुस जाता है वो कभी एंकर नहीं करना चाहिए। अब हमारी क्षेत्र की सुमारी दीदी को देख लो, कभी भी आज दिन तक एटीट्यूड नाम चीज़ सीखी नहीं, मतलब जब भी कभी आना जाना होता है तो हाथों में लेती है, जबकि वो भी तो सोचे इनकी क्या वैल्यू, बताओ उन्होंने दुनिया पूछे इतने फॉलोअर, फेसबुक पे मिलियन फॉलोअर, इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर, यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर, हैं तुम उन पर किस चीज़ कमी, पैसे कमी, किसी कितना पैसा कमा रही है, लाखों के साथ पैसा कमा रही है, तो वो भी तो गवर्न कर सकती है, उन्होंने कभी नहीं सोची और अच्छा खासा हाथों तो जी चीज़ होती है मेंटलिटी की बात, मेंटलिटी। और उनके मामा क्या बोले हमसे, हमने कहा भैया इटावा से आए, ये तो झूठ बोले, ड्रामे कर रहे हैं लोग, और ये इटावा से नहीं आए तो यहाँ पर के हैं, झूठ बोलते हैं लोग, और बार बार कह रहे चलो अपना चैनल दिखाओ, अपना चैनल दिखाओ ऐसे यहाँ। और फिर जब हम लोग गए तो ये बात ही बोली कि सुबह सुबह से आ जाते हैं, नाश्ता हुआ ना हुआ सुबह सुबह आ जाते हैं, मुँह उठाएँ, ऐसा ये भी बात बोली,
तो मेरा यही कहना है भाई, ऐसे लोग यहाँ मत जाओ, क्यों जाओ, जाओ अपनी बेइज्जती करवाओ, ऐसी कसान मारी जा रही भाई। मैं जिस हिसाब से रह गई, इतनी उम्र से गई थी, मैंने कहा कोई छोटी लड़की है भाई, बात करेंगे चलेगा, लेकिन नहीं। जैसे मतलब किसी का मन हो जाता है दोबारा जाने के लिए, इंसान से मतलब अच्छा लगता है मिलके, तो दोबारा भी आ सकता है। तो आरन भाई एक बार मिलाए थे तो तब फोटो खींचनी थी ना आपको, पहली बार आए तब भी कहा फोटो खींच लो, वीडियो मत बनाने देना। तो अभी उसका मामा कह रहा था तुम एक बार तो आ चुके, कितनी बार, छह बार आओगे, मतलब ये बताओ, एक बार आए, दो बार आए, मतलब पहली बार मैं गया था तब इन्होंने वीडियो बनाने दी, तो मुझे खबर लगी उस टाइम भी समझ में नहीं है। तो मैं अब मतलब दो महीने हो गए उस टाइम को, तो मैं सोचा दोबारा चलते, दीदी भी घुमाए, हम घुमाए, इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, वो दो पैसा में कुछ तो जानता नहीं है, अनपढ़ तो घुमा रहे एक तरह का। उनके दिमाग में ये है कि मतलब कि हम उनका फायदा उठाने के लिए गए। भाई हमारे पास किस चीज़ कमी है, हमारे पास नेम की कमी, फेम की क्या चीज़ कमी है, हमारे पास जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी कोई आ जाती है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जिससे यहाँ तक आए, हमने रास्ते में पड़ा था इससे मिल रहे हैं, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी उठी है, इस वजह से तो जाने भी की नहीं कह रही थी। ऐसा हम दोनों हम जा रहे थे छूट पे, दीदी तो मैंने दीदी दिखा नहीं, दीदी हापड़ पड़ रहा है मिलोगी, मैंने फोर्स किया तब दीदी मिल लेंगे, अपन उनको कोई शौक नहीं, उनके इतने फैन फॉलोइंग आते देखे होंगे, और कह रही इसकी मम्मी इसके अखबार में नाम आ गया एक में, इनका उसकी मम्मी का उसका एक में आया, इनका 50 अखबारों में नाम आया, कभी एक नहीं आया, एक अखबार में नाम आया, समझ लो वो आसमान पहुंच गई, यार हद कर दी इस लड़की ने, और जाके मामा ने, वो मामा तो बिल्कुल गंवा रहे हैं बिल्कुल, ऐसे नहीं बोलते हुए किसी को। हाँ ये चीज़ है, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है कि मतलब अगर इस चीज़ को लेके चलेंगे ना तो ये कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल भी, अगर जा चीज़ को लेके चले तो फिर कैसे कहा है, ये चीज़ नहीं चलती है कभी भी, मतलब अपना वो दिखाना कि हम ये हम वो है वो, अभी तुम कभी कुछ नहीं हो ना, तुम्हारे अभी इंस्टा पे ज़्यादा फॉलोअर है ना किसी फॉलोअर, मस्त में लोग जान लगे तब तुम इतना वो कर रही हो, जब तक फॉलोअर होते तुम कितना वो करोगी है, कभी ना ऐसे कमेंट भी। हम अपनी बात कर रहे हैं अपनी, हम दिन में अगर सो रहे हो तो हमारे भैया कहता है कि मतलब जाओ मिल के आओ, इतने इंसान दूर से मिल के आए, अगर इंसान इटावा से भी आएगा तो मिलवाता है, और हम यहाँ पे पूरी नाइट सफर करके आ रहे हैं, तो एक बार जी कह देते कि हाँ मिल लो एक वीडियो बनाने में, नहीं पहले मैंने वीडियो नहीं बनाने में, फिर मुझे ये भी लगा उनकी मम्मी का कहना था बना लो बेटा कोई बात नहीं बना लो बेटा, लेकिन उस लड़की ने नहीं बनाया भाई वीडियो, नहीं मुझ पर नहीं बनेगी, मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियो, यही शब्द थे उनके, तो यही कहेंगे भाई जब जिस चीज़ ले के मत चलो। और हमारे आप लोगों से कहना है कि ऐसे लोगों में जाना जहाँ जाके बिल्कुल भी अपनी इमेज ख़राब मत करवाओ, जो मतलब ऐसे उल्टी सीधी बातें कहे, 100 सुनने को मिले वहाँ बैसो, और कोई बड़ा क्रिएटर क्यों बिल्कुल ना जाए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि काम के आए वहाँ से आई है सूट से आई है जी आई, सूट सबके लगते हैं भाई, लेकिन जब फैम मतलब अपना फैम पाने के लिए इंसान क्या क्या कर देता है, और यहाँ तो पता नहीं उल्टा सिस्टम था कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।